नमस्कार बच्चों, मात्राओं की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक नए अध्याय ऋषि की कृपा के विषय में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम री की मात्रा एवं उससे बनने वाले शब्दों के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम री की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। री की मात्रा जब किसी व्यंजन के साथ लगती है तो इसका रूप बदल जाता है। यह हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। यह मात्रा अधिकतर संस्कृत निष्ठ शब्दों में लगती है। तो आइए री की मात्रा को सीखते हैं। का जमा री बराबर क्री, मा जमा री बराबर मृ, ता जमा री बराबर त्री, वा जमा री बराबर व्री। आइए अब हम री की मात्रा युक्त शब्दों का अभ्यास करते हैं। कृष्ण वृक्ष वृषभ संस्कृति, कृषक वृक्षारोपण हृदय मृग, पृथ्वी नृप प्रकृति। अब हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। हमारा पहला वाक्य है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। अगला है, मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। हमें अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। अगला है, कृपया पृथ्वी को सुंदर बनाने का प्रयास करें, वृक्ष लगाएं। तो बच्चों, आपने री की मात्रा को पढ़ लिया ना? आइए अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। इस मात्रा का प्रयोग अधिकतर संस्कृत निष्ठ शब्दों में किया जाता है। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है ऋषि की कृपा। एक ऋषि थे, वे सब पर कृपा करते थे। उनकी कुटिया के पास एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास दो वृषभ थे। वृषभ का अर्थ है बैल। उसके पास दो बैल थे। काम करते करते वह थक गया। वह एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। वृक्ष का अर्थ है पेड़। तभी एक नृप कुटिया के पास आया। नृप का अर्थ है राजा। एक राजा कुटिया के पास आया। वह मृग का शिकार करना चाहता था। मृग का अर्थ है हिरण। ऋषि ने नृप से कहा, मृग पर दया करो। नृप चला गया। मृग बच गया। किसी से घृणा मत करो। घृणा का अर्थ होता है नफरत। गृह कार्य। पाठ में आए री की मात्रा वाले पांच शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कविता और अभ्यास प्रश्न को हम कल की वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।